हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल इंडियन जीएस। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका फुल फॉर्म। दोस्तों इसको याद कर लें, ताकि ये पूछा जाता है डायरेक्ट SSC रेलवे वगैरह एग्जाम में कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म, और इसका ये है लोगो। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसका? यूनाइटेड नेशंस का, जो क्या एम करता है, प्रमोट करता है वर्ल्ड पीस, मतलब विश्व के शांति के लिए और सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए। और किसके माध्यम से? इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब आपसी कोऑपरेशन के माध्यम से ये प्रमोट करता है कि दुनिया में शांति बनी रहे। और ये क्या करता है? एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर के थ्रू लोगों को कनेक्ट करना करता है और शांति बनाए रखता है। अब देखते हैं, यूनेस्को यूजेस एजुकेशन, साइंस, कल्चर, ये क्या यूज करता है? एजुकेशन यूज करता है, साइंस यूज करता है और कल्चर यूज करता है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टू फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपसी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये इसको यूज करता है। एजुकेशन, अगर किसी देश में अगर लोअर लिटरेसी है, उसमें एजुकेशन लेवल लो है, तो उसमें क्या रहेगा? ज्यादा अशांति रहेगा, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस सब को यूज करके यूनेस्को क्या करता है? बढ़ावा देता है, पर किसके लिए? वर्ल्ड पीस के लिए। अब आगे देखते हैं, यूनेस्को को बनाया कब गया था? यूनेस्को को बनाया गया था 16 नवंबर 1945 में, इसको बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। और इसका हेड कौन है, दैट मीन्स डायरेक्टर जनरल इसका कौन है? ऑड्रे अजूले, ऑड्रे अजू ले इसका डायरेक्टर जनरल है, और ये है वो। दोस्तों ये रहा यूनेस्को के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज। जो भी एग्जाम के का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लिख लें और याद कर लें, ताकि कोई भी एग्जाम में अगर पूछ ले कि यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है और इसका हेड कौन है, तो ताकि आप आसानी से उस एग्जाम में सही आंसर करके आ पाए। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन जीएस को, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। दोस्तों मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा एग्जाम के पर्पज के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।